So hey guys, मैं हूँ अत्रेय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मेकअप वाइब्स। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ माय बर्थडे पार्टी मेकअप लुक शेयर करूंगी। एंड गाइस, आज मैं बहुत ही ग्लोई सॉफ्ट न्यूट्रल एक मेकअप लुक क्रिएट किया है। एंड मैं जस्ट 15 मिनट्स में इस वाले मेकअप लुक को क्रिएट किया है। सो गाइस, आई होप इस वाले मेकअप लुक आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगी। एंड अगर आप लोगों को मेरी इस वाली मेकअप लुक अच्छी लगती है, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एट फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। एंड प्राइमर के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की हाइलाइटिंग प्राइमर। तो ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटिंग प्राइमर है, तो मैं इसको डैब डैब करके मेरे फुल फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग नॉर्मली फिंगर टिप्स की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मैं आज इसको ब्लेंड करने के लिए एक ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किया है। प्राइमर को अच्छे से फुल फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिट मी के फाउंडेशन को इन दिस शेड 228। मैं पहले फाउंडेशन के 2-3 पम्प मेरे फेस पे ले लूँगी, देन डैब डैब करके इसको फुल फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड ये बहुत ही सिंपल एक न्यूट्रल सा मेकअप लुक है। तो अगर आप लोग कोई भी पार्टी में जाते हो तो आप लोग इस वाले लुक को कैरी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लुक है एंड मैं सिर्फ 15 मिनट्स में इस वाले लुक को क्रिएट किया है। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर को इन दिस शेड कैफिन सेल्फ केयर 4। एंड इसकी हेल्प से मैं मेरे फुल फेस को सेट कर लूँगी। देन इनसाइड कॉस्मेटिक्स की मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से मैं मेरे फुल फेस को सेट कर रही हूँ। एंड उसी वाले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं मेरे नोज को कॉन्ट्रोल कर लूँगी। एंड कॉन्ट्रोलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA के कॉन्ट्रोल बम को। एंड गाइस, मैं इस वाले मेकअप लुक में जो भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ हर एक प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोग कुछ भी लेना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लेना। देन फॉर माई आईब्राउज मैं आज यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 की आईब्राउज पैलेट को। एंड इनमें से एक ग्रे एंड ब्राउन कलर की शेड को मिक्स करके मैं मेरे आईब्राउज को क्रिएट कर रही हूँ। फॉर माई आई मेकअप मैं आज यूज़ कर रही हूँ SFR की ब्यूटी किलर आई शेडो पैलेट को। एंड इनमें से मैं एक ब्राउन कलर की शेड को पिक करके उसको मेरे क्रीज एरिया पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं उसी वाले पैलेट में से एक शिमरी ब्राउन कलर की शेड को पिक करूंगी। एंड उसको मेरे आईलेट के मिडिल वाले पोर्शन से इनर कॉर्नर तक अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद उसे वाले पैलेट में से मैं एक कॉन्सर शेड को पिक करूंगी एंड इसके हेल्प से मैं मेरे अंडर आईज को सेट कर लूंगी। देन लाइनर के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लाइनर को। एंड ये एक बहुत ही अच्छी लाइनर है एंड इसकी हेल्प से मैं एक स्मॉल विंग लाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ। एंड मैं लाइनर को थोड़ी सी मेरे इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूंगी ताकि मेरे आईज थोड़ी सी बोल्ड दिखे। देन काजल के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ NYBA के ब्लैक काजल को। एंड इस वाले काजल को मैं मेरे वाटर लाइन के दोनों साइड पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। देन मैं एक व्हाइट कलर की काजल को पिक करूंगी एंड उसको मेरे वाटर लाइन के मिडिल वाले पोर्शन पे अप्लाई कर लूंगी। देन फॉर माई मस्कारा मैं आज यूज कर रही हूँ मेवलिन की हाइपर कल मस्कारा को। एंड मस्कारा की हेल्प से मैं मेरे अपर लैश और मेरे लोअर लैश को कोट कर लूंगी। एंड गैस, मैं उतना ज्यादा फॉल्स लैश को वेयर नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। देन फॉर माई ब्लश मैं आज यूज कर रही हूँ मिस क्लियर की लिप ग्लॉस को इन दिस शेड 116। एंड ये एक बहुत ही अच्छी ग्लोई फिनिश देती है। आप लोग इसको एज अ चिपटिन भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको मेरे चिक बोन्स पे एंड मेरे नोज पे अप्लाई कर लूंगी एंड आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी ग्लोई फिनिश दे रही है। देन फॉर माई हाइलाइटर मैं आज यूज कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम की हाइलाइटर को इन दिस शेड रोज गोल्ड मोल्टन एंड रोज गोल्ड फोंडू। एंड इसके हेल्प से मैं मेरी विजुअल स्पैन को हाईलाइट कर रही हूँ। देन लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर के एक लिपस्टिक को इन दिस शेड 12। एंड ये एक बहुत ही अच्छी वायलेट कलर की लिपस्टिक है एंड हर स्किन टोन में ये बहुत ही अच्छे से मैच करेगी। देन इनसाइड कॉस्मेटिक्स की मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से मैं मेरे मेकअप को सेट कर लूंगी।
एंड मैं यहाँ पे पहले ब्यूटी ब्लेंडर पे मेकअप सेटिंग स्प्रे को लेके देन डैब डैब करके मेरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आप लोग मेरे इस वाले मेकअप लुक को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी इस वाली मेकअप लुक अच्छी लगी है। एंड अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट ले सकूं। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय, टेक केयर।